अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। और अगला सवाल मुझे भाईजान पूछते हैं, अब्दुल नसीर अचकजाई कहते हैं कि मुझे कोई ऑनलाइन बिजनेस दीजिए, यानी ऑनलाइन रिटेलिंग का बिजनेस दीजिए पाकिस्तान में। ओके, आइडिया क्या है? पहले तो आप पहले सोचना है मैंने बेचनी क्या, मैंने ऑनलाइन बेचना क्या, क्योंकि पाकिस्तान में अभी डिलीवरी अभी भी स्टार्ट हो रही है, क्रेडिट कार्ड से पैसे मिलते नहीं, वो है पैसा है सर्विस या ई वॉलेट की, जैसे एक आध चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, क्रेडिट कार्ड लोगों के पास नहीं है, पेपाल नहीं है, अब तक पैसा कैसा पहुँचाएंगे, ये अभी मुश्किलात अभी हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे पाकिस्तान में एक भाई जान है, उनका मुझे याद नहीं रहा बिज़नेस, 500 ऑर्डर उनके रोज़ के मिल रहे हैं एंड दे सेल इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ बिक सकती है। लेकिन जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, आप किसी शोबे में जाते हो, पहले आपको यानी आपको बेचना क्या, आप सब्ज़ी वगैरह तो आप बेच नहीं सकते ऑनलाइन, क्यों? क्योंकि जितनी देर तक बंदा कोई ऑर्डर देता है आप पहुँचाते हो वो चीज़ ख़राब होने वाली है। दो आइडियाज़ में आपको मिसाल देता हूँ, लेकिन आप अपनी इंडस्ट्री खुद ढूंढ लो। सीड्स नहीं होते, जिस चीज़ में भी आपने जाना लेकिन पक्का स्पेशलिस्ट उसका बनना है, सीड्स, बीज। बेशक बीज की दुकानें मौजूद हैं, आप ऐसी दुकान खोलो जहाँ पे आप पूरे पाकिस्तान को सीड सप्लाई करो, लेकिन आपके पास हर किस्म का सीड होना चाहिए। अगर खरबूजा ले लेते हो ना, तो आपके पास थाई, अमेरिकन, क्रिस्टल, स्वीट मेलेडी, हर किस्म का देसी, इंडियन, जो भी जहाँ से भी आते हैं, कम से कम उसकी 20-30 वराइटीज़ होती हैं, वो होना चाहिए, हर वक्त आपके पास होना चाहिए। एंड यू नीड टू हैव लाइक वो पूरे का पूरा वहाँ पे आप डिस्प्ले करो, आलू, प्याज, जिस चीज़ की भी सीड की ज़रूरत है, फूलों की, सब्ज़ी की। या पता क्या करो, फूल रहने तो पहले आप सब्ज़ी की स्टार्ट करो एंड हैव एवरीथिंग इन वन प्लेस, एंड फिर आप क्या करो, फिर ट्राई टू कॉन्टेक्ट एज मैनी फार्मर्स और उनको ये रुझान उनमें डाल दो कि आपके पास क्वालिटी सीड्स हर वक्त मिलेगा और डिलीवर भी हो जाएगा। एक ये चीज़ है। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैंने देखा है कि एक अच्छा बिल्ली भागती है, ये ऊपर परिंदा था उसके ऊपर, यानी डिस्ट्रैक्टेड हो गया। टूल्स नहीं होते, टूल्स मुझे आज तक पाकिस्तान में एक खास जगह नहीं मिली जहाँ से मुझे हर कोई टूल मिले, यानी हैं बड़ी बड़ी शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, टूल्स से क्या मतलब, ड्रिलें, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिक सो कई किस्म की होती हैं, प्लेनर्स होते हैं, सेंडर्स होते हैं, ये जो आपने मेरा वो ड्रिल देखा बड़ा, वो छोटे जनरेटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक जगह हो, क्योंकि हमारे पास पूरे पूरे बाजार हैं, ठीक है, जहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन आपके पास एक शॉप हो जिसमें आपकी क्वालिटी टूल्स बिके, और टूल्स कौन से, ब्रांडेड, JCB, DeWalt, Milwaukee, यानी एक टूल होता है जो डोमेस्टिक बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, एक टूल होता है जो कारोबारी जिसने रोज़मर्रा अपनी उस पर रोज़ी कमानी होती है, वो वाला टूल जो है ना वो उसको चाहिए, यानी कि प्रॉपर टॉप क्वालिटी का। एंड आप उसमें सिर्फ अगर यही नीश पकड़ लेंगे ना, आप बला चीज़ मान सकते हो। ओके, अगेन अपनी इंडस्ट्री आप खुद सोचो, मैं क्या बेच सकता हूँ, क्या चीज़ मैं ऑनलाइन बेच सकता हूँ, मैं किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो सकता हूँ। हर चीज़ को वो ना करने की कोशिश कीजिए कि जी मैं थोड़े इधर कपड़े बेच रहा हूँ, इधर मैं जूते बेच रहा हूँ, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने सुना पाकिस्तान में जूते ऑनलाइन बिकते हैं, लेकिन जूते ऑनलाइन बेचना बहुत मुश्किल है। आप गलत अगर आपने साइज़ बेच दिया तो फिर क्या होएगा, यू नो, जूता बेशक आपका साइज़ है, फिर भी वो कई बार शायद यहाँ साइड से तंग करता, आगे से होता है, वो पसंद नहीं होता, जो तस्वीर होती है वो करीब डिफरेंट होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जिस तरह मैंने टूल्स बोला है, टूल्स ये है कि आप चेक कर लो, चलते हैं, बेच दो, थोड़ा सा रिटर्न होएगा, जो लोग एक बार आपके ग्राहक बन जाएंगे ना, वो हमेशा आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि उनको पता होगा मैंने क्वालिटी काम करना, मैंने क्वालिटी टूल्स ले लें, आपसे ही मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर उसने एक बार आपसे ड्रिल ली है तो जब वो प्लेनर लेने जाएगा आपके पास ही जाएगा। सो या आप एग्रीकल्चरल कोई टूल ढूंढ लो, उसमें एग्रीकल्चरल क्या होंगे, आई डोंट नो, ट्रैक्टर के जो होते हैं ना एक्सेसरीज, एक ट्रैक्टर होता है उसके आगे पीछे हमने तो बस हल देखा हुआ और वो करा देखा हुआ, लेकिन हल के अलावा वो चीज़ भी होती है जो गंदम को काटती है, वो चीज़ भी होती है जो ज़मीन को लेवल करती है, वो चीज़ भी होती है जो घास निकालती है, और जो हल भी होते हैं, हल की भी 10-12 किस्में होती है। एक हल होता है जो बन्नी बनाता है, इतनी, यानी आप सिर्फ एक शोभा लो और उस पर आप माहिर बन जाओ, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। परफ्यूम, ब्रांडेड परफ्यूम्स, यानी जॉन पॉल गॉटियर ले लो आप, डेविड बेकहम की जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, परफ्यूम शॉप, लेकिन हर चीज़ ब्रांडेड हो और असली हो, पाकिस्तान में आप खोल लो, ऑनलाइन चलेगी, क्योंकि जिसने 60-70 हज़ार रुपये लेके परफ्यूम लेनी है वो डिलीवरी भी बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है, और उसको पता होगा कि मुझे ब्रांडेड चीज़ चाहिए और उसमें मार्जिन भी अच्छा खासा है। सो जो भी आपने काम करना है ऑनलाइन आपने बेचना है, हिम्मत करो, वेबसाइट बनानी है, सामान की तस्वीरें लगानी है और सामान पीछे होना चाहिए, एंड देन स्टार्ट डिलीवरिंग। और फेसबुक को इस्तेमाल करो इश्तहार देने के लिए, एडवर्ड्स इस्तेमाल करो, और अपना एक इलाका ढूंढ लो, अपने इलाके में सिर्फ इश्तहार दो, ताकि मेजॉरिटी आपके, अगर आप कराची में हो, ट्राई टू टारगेट कराची ओनली थ्रू एडवर्टाइजिंग। बाहर से ऑर्डर आएंगे, वो मेरी लाइट गिरने वाली है, एक सेकंड, लाइट ठीक करके वापस आते हैं।
ये यूके में समंदर के किनारे रहता हूँ, यहाँ से काफी हवा आती है, उसको अटलांटिक हवा, ओके विंड्स। सो एनीवे, आई होप मैंने आप में कुछ ना कुछ आइडिया उजागर कर दिया। जरूरी नहीं है कि आप यही नीशे इस्तेमाल करोगे, आप कुछ और कर सकते हो। आप शादी के वो जो एक तो होता है शादी के कपड़े, आप स्पेसिफिकली शादी के सामान की कर सकते हो, यानी वो जो उस पर डेकोरेशन होता है, उसमें ताज होते हैं, हार होते हैं, शलवानी वगैरह। लेकिन उसमें क्या है कि वो अनलेस कि आप मेरी वेबसाइट पे जाते हो, secondwife.com पे जाते हो और वहाँ पे दो तीन शादियाँ करते हो, एक बंदे ने एक ही शादी करनी होती है और फिर वो बिजनेस रिपीट बिजनेस नहीं आएगा। आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो रिपीट बिजनेस हो, यानी परफ्यूम है ना, परफ्यूम महीने दो तीन चार बाद खत्म हो जाएगी, किसी ने किसी को गिफ्ट कर दी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो फिर खत्म हो जाएगी, फिर आपके पास आएंगे, बिकॉज उनको पता होगा जो मुझे भी परफ्यूम चाहिए। यार मैंने दुबई में एक परफ्यूम ली थी, वाकई मजाक नहीं कर रहा, मुझे एक शेख साहब है ना, मैं नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, एक परफ्यूम गिफ्ट की थी, और शेख साहब हैं, रॉयल फैमिली के हैं, एंड मैं जिंदगी में परफ्यूम ना कभी लूँ। 200 pounds की परफ्यूम है वो, लेकिन है बड़े मज़े की थी ऑनेस्टली। यानी 200 pounds क्या बनता है, 25,000-30,000 रुपये बनते हैं एक बोतल के। माशाल्लाह मैंने छोड़िए क्यों दी है वो बात की बात है, बट दीज थिंग्स एग्जिस्ट, गो फॉर क्वालिटी। सस्ती चीज़ ना बेचने की कोशिश कीजिएगा, ऑनलाइन वैसे ही मार्जिन कम होते हैं, लोग जितनी सस्ती चीज़ होती है वो आपको तंग करेंगे। जो कॉन्सर्स होते हैं ना, जिनको कदर होती है, कदरदान जिनको हम बोलते हैं, वो आपसे महंगी चीज़ लेंगे, एंड दे विल एंजॉय इट एज वेल। ओके, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा, लंबा वीडियो हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम, लाइट कीजिए।